है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा, दिनेश ग्लास के नाम से दुकान है। अच्छा अच्छा, आपका ग्लास का बिजनेस है आपका? ग्लास एल्यूमिनियम सेक्शन का। और यहाँ पे कितना समय आप देते हैं? यहाँ सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे। आशीष मित्तल, आशीष मित्तल सेवा दे रहे हैं आपको हम। सुबह आपने 5 बजे तक चल रहे थे, 10 साढ़े 10 से जा रहे थे, कब से दे रहे हैं? मीटिंग कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। होलसेल का काम मेरा, मैंने फिर बोली किसी का काम है। सेवा समर्पण की भावना किससे? ये जब कोविड काल प्रारंभ हुआ तब कुछ मित्रों ने अन्नपूर्णा सेवा समिति का निर्माण किया, राशन के किट दिए, भंडारे लगाए और इस तरह से आयोजन प्रारंभ हुआ। और चले चले देखना हो, ये नीमच के जो भामाशाह हैं, दानदाता हैं और जो नीमच के सेवाभावी लोग हैं उनके सहयोग से चल रहा है। इसमें हमारी एक पूरी टीम है जो 1000 रुपए सालाना देती है और लगभग 350 से 400 इसके मेंबर हैं, जिसमें अजय भटनागर जी हैं, प्रवीण औरंगकर जी हैं, श्रीराम गोडबोले जी हैं, ऐसे शहर के प्रमुख लोग भी इसमें शामिल हैं और सदस्य शुल्क के रूप में 1000 रुपए लेते हैं, उससे सारा ये चलता है। और बीच में दानदाता जन्मदिन वाले लोग आते हैं जो अपना भोजन रखकर जन्मदिन मनाते हैं, किसी के परिवार के स्मृति में, परिजन की स्मृति में यहाँ पर आते हैं, वो दानदाता के रूप में शामिल होते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। इसी तरह से अन्नपूर्णा का एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पे लागत मूल्य पर दवाई दी जाती है और एक क्लिनिक है जहाँ पर मात्र 80 रुपए में पेशेंट लेके जाते हैं। एक पानी का प्रकल्प है जो नीमच में 40 प्याऊ संचालित करता है। इस तरह से सेवा भावना का एक टीम है जो नीमच शहर के और अंचल की जनता नीमच आती है, उनकी सेवाएं करती है। 300 लोगों का खाना रोज बनता है, ये मोहल्ले में भी जाता है, ये जिला चिकित्सालय जाता है, उसके बाद नीमच के जितने प्राइवेट नर्सिंग होम है उनका एक समय निर्धारित है, उस समय पे ये गाड़ी जाती है और वहाँ पर गाड़ी में भी सेवाएं देने वाले हमारे बंधु और मित्र देते हैं, वो सेवाएं देते हैं और 15 रुपए में वहाँ पर भोजन परोसा जाता है, जिसमें दाल सब्जी और 4 पराठे, 6 पूड़ी और चावल होते हैं। जब कोविड का काल चल रहा था तो मेरा नियमित हॉस्पिटल जाना होता था, तो वहाँ पर ये देखा जाता था कि पेशेंट की व्यवस्था तो वहाँ भोजन की होती थी, लेकिन जो अटेंडर रहते थे वो बहुत परेशान होते थे, तो वहीं से मन में भाव पैदा हो गया था कि कोविड खत्म होने के बाद ये अपने को एक वाहन बनाना है, भोजन रथ बनाना है, जिससे जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी भोजन की पूर्ति की जा सके। कोई भी नीमच शहर में बाहर से आने वाला व्यक्ति भूखा ना सोए, ऐसा मन के भाव थे और ये टीम बनी और टीम भावना से सब लोग काम करते हैं। आप कितना समय दे पाते हैं? समय का तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोज कितना देना, पर मैक्सिमम समय देने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल आपको धन्यवाद देता है, आप ऐसे नेक और पुण्य काम यहाँ पर कर रहे हैं, नीमच की धन्य धरा के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद।